और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है ईडी सीबीआई के जरिए, डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो लोगों को, लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है, हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती, मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है, लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया, और आज का जो जन सैलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए,
उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में, राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं, और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं। सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदर भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे, लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका। हम तो कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा, चाहे सत्ता में आए या ना आए। हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख धर का भागीदार बनना पड़ेगा, हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए, क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है, वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया,
मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते, चैलेंज देते हैं कितना सरकारी नौकरी दिया, सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सभी गणमान व्यक्तियों को हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।